बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग आदि पुरुष को लेकर मिल्किंग कर सकते, एक दो तीन चार वीडियोस बना सकते, तो क्या मैं सेकंड वीडियो नहीं बना सकता? ये सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। चल झूठा। देखो यार, आफ्टर वॉचिंग आदि पुरुष टीजर यार मेरी दिल से इज्जत बढ़ गई 2011 में आई शाहरुख खान की मूवी रावण के लिए। ऑल दो रावण लोगों को ऐसा लगता है कि फ्लॉप मूवी थी, लेकिन जितना उसका बजट था उससे ज़्यादा उसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था। लेकिन फिर भी जिस तरीके से शाहरुख खान एक ग्लोबली सुपरस्टार है, तो उसके अलावा शाहरुख खान का वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो इस वजह से ऑडियंस ने बहुत ही जमकर क्रिटिसाइज किया था और बहुत सारी वजहों से क्रिटिसाइज किया था। लेकिन आज 2022 में आफ्टर वॉचिंग बॉलीवुड सो मेनी मूवीज, वो सीजीआई 1000 times बेटर था और अपने वक्त से कई ज़्यादा आगे था। अभी रिसेंटली एक बॉलीवुड की मूवी रिलीज हुई थी ब्रह्मास्त्र, जिसको मैंने खुल के सपोर्ट किया था। सपोर्ट इस वजह से किया था क्योंकि उसका सीजीआई वीएफएक्स भी अच्छा था, प्लस अयान मुखर्जी कुछ नया लेकर आया था ऑडियंस के सामने। मैं मानता हूँ कि उस मूवी में लव स्टोरी कुछ ज़्यादा ही ड्रैग कर दी थी, लेकिन अगर ओवरऑल मूवी देखो तो एक अच्छी शुरुआत है बॉलीवुड की तरफ से कुछ नया ऑडियंस को देने की। लेकिन अगर आदि पुरुष की बात करो तो यहाँ पर नया कुछ भी नहीं है। रामायण के बारे में हर एक हिंदुस्तानी को पता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी रिलीजन को, उसको रामायण महाभारत के बारे में डेफिनेटली पता है। और मेरे जैसे अगर 90s के बच्चे हो तो वो लोगों ने महाभारत और रामायण देखी है टेलीविजन पे। अब मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मेरे घर में आप लोग मानोगे नहीं, लेकिन रामायण और महाभारत हम लोग पूरी फैमिली बैठ के देखती थी सुबह। वो एक अलग ही दौर था और आज एक अलग ही दौर है। खैर उस पर हम लोग डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आदि पुरुष की बात करो तो यहाँ पर हमको ये देखना था कि ओम राउत अपने विजन को कैसे प्रेजेंट करेंगे। लेकिन ओम राउत ने हमको ये नहीं बताया था कि ये मूवी नहीं बल्कि एक कार्टून सीरीज बना रहा है, ये एक निकोलोडियन के लिए, पोगो के लिए या कार्टून नेटवर्क के लिए किसी मूवी को बनाया जा रहा है। ये इतनी वाहियत इसका VFX और CGI है कि ये भाई किसी OTT पे भी रिलीज हो रहा तो वो लोग भी डूब के मर जाएंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा टीजर में मैंने तो दो ही चीज़ पॉइंट आउट किया था, एक तो हैरी पॉटर के डिमेंटर्स को और दूसरे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को, लेकिन पब्लिक ने तो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दिए। अब अगर आप लोगों ने टीजर गौर से देखा तो उसमें आपको हैरी पॉटर के डिमेंटर्स भी देखने को मिलेंगे, थॉर रैग्नारोक मूवी की भी याद आ जाएगी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की भी याद आ जाएगी, पल रेन मोबाइल गेम की भी याद आ जाएगी, गेम ऑफ थ्रोन सीरीज की भी याद आ जाएगी। मतलब ओम राउत ने उन सारी चीजों को यहाँ पर मिक्स करके डाला, वो भी इतनी गंदी तरह से। एक डिज्नी की लाइव एक्शन मूवी आई थी टारजन, उसकी तक याद आ जाएगी आपको। यानी कि यहाँ पर 500 रुपए का एक बहुत बड़ा स्कैम किया है और कुछ भी नहीं, बस दो बड़े सुपरस्टार को ले लिया, एक तो प्रभास, जिस वजह से पूरी साउथ वाली पब्लिक देखेगी और हिंदी ऑडियंस भी देखेगी, और दूसरे सैफ अली खान, जो कि आज की तारीख में विलन के रोल में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और इनफैक्ट वो एक अच्छा एक्टर भी है। अगर आप लोग खान लोग में देखो तो आफ्टर शाहरुख खान कोई एक अच्छा एक्टिंग कर रहा है तो वो है भाई सैफ अली खान। कास्टिंग ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को दिखा के इतना बड़ा CP काटा ओम राउत ने कि मैं बता नहीं सकता तुम लोग को। मतलब अगर 500 करोड़ में ऐसी मूवी बनती है तो भाई 400 करोड़ में ब्रह्मास्त्र क्या बुरी है, आप लोग खुद बोलो। और 175 करोड़ में रावण बनी थी तो वो क्या बुरी थी। अगर आप लोग रावण का VFX और CGI देख लो तो आज की तारीख में आपको बॉलीवुड में उससे बढ़िया VFX और CGI देखने को नहीं मिलेगा। इवन ब्रह्मास्त्र में भी उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का शाहरुख खान की मूवी रावण में देखने को मिला था। आदि पुरुष के मेकर्स को पता चलना चाहिए कि उन लोगों ने क्या किया है। अगर स्कैम करना है तो भाई कहीं और जाके करो, क्योंकि ऑडियंस बहुत मेहनत से पैसे कमाती है और मुझे नहीं लगता कि लोगों के सेंटीमेंट को इस तरीके से हट करना चाहिए। और रामायण और महाभारत ये कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक है जिसको लेकर ऐसी मूवीज बनाना तो मतलब एकदम इंसल्ट है, मैं तो बोलूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता। ओम राउत ने बोला था कि भाई इस मूवी में वो लोग मोशन कैप्चर करके चीज़ों को बता रहे हैं। अगर आप लोग प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी के अगर आप लोग बिहाइंड द सीन्स देखोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे पहले एक्टर लोग उन सारी सीन्स को शूट करते, एक्सप्रेशन देते, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट निकल के आता ना, तो वो देखने में आपको काफ़ी रियलिस्टिक लगता है, वो एक अलग ही एहसास देता है। लेकिन यहाँ पर मोशन कैप्चर के जितने भी पोर्शन है उसको स्किप करके सीधा एनिमेशन कर दिया, तो एनिमेशन में वो जो एक बात आनी चाहिए जो हम लोग इतने सालों से हॉलीवुड की मूवीज में देख रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर मूवी में नहीं आता है। और आज 2022 में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया की बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस जो मूवीज देखती है उन लोगों को इस तरीके की हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है, और उन लोगों ने देखी भी, चाहे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो, चाहे अवतार मूवी हो, चाहे प्लैनेट ऑफ द एप्स हो, यानी कि ऐसी बहुत सारी मूवीज ऑडियंस ने पहले देख चुके। तो अब आप लोग उनको इतनी खुलेआम चूतिया बनाओगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा मेरे हिसाब से। तो ओम राउत को या तो फिर इस
मूवी को डिले करके एक साल का और टाइम लेकर बहुत सारे रीशूट्स करने पड़ेंगे उसको, मोशन कैप्चर का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, या तो अगर वो लोग रिलीज़ करते हैं तो ये मूवी को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो शायद ही मैं टिकट लेके इस पर्टिकुलर मूवी को देखना भी पसंद करूँ, क्योंकि पूरा मज़ा मेरे लिए ख़राब हो गया है सीरियसली। तो यार बस इस वीडियो में इतने, आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग जाओगे इस पर्टिकुलर मूवी को देखने के लिए नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।